जी बेटा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा? हेलो। बस ठीक हो गया बेटा, एक आध मिनट दें फिर बच्चे ज्वाइन कर लें, तो अपनी क्लास जो है उसे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? स्क्रीन बताएं, मुझे शेयर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा बेटा, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद कैंपस के लिए। चैप्टर बेटा हम पढ़ रहे हैं 17, और चैप्टर का नेम है अल्काइल हेलाइड्स। आपका बेटा संडे का सेमिनार कैसा गुजरा आप लोगों का? अटेंड किया जो क्यों नहीं अटेंड किया? तो वो पिछला वाला अटेंड कर लिया था ना। बेटा इसमें तो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किए थे कुछ, मैंने बताया था कि हम कैसे पढ़ाते हैं। मिस कर लिया। आपके जो प्रॉब्लम्स थे, जो और उसके सॉल्यूशंस थे, उसके ऊपर ये सेमिनार था। अच्छा ठीक है बेटा, वो सेंड कर देंगे। वो जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी ना बेटा, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। पहले जिन्होंने नहीं सुना तो फिर वो जो रिकॉर्डिंग है वो सुन लें, ठीक है? आज सही है तो कैसा था बेटा जी, फिर आपने सुना है तो? जिस जिसने आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सुना था? जी बेटा, अच्छा जी, निम्रा ने सुना था और बाकी बाकी लोगों ने नहीं सुना। कि हम जितने भी बेटा सेमिनार करेंगे उसमें एक टॉपिक नहीं हम रखेंगे, हम डिफरेंट टॉपिक्स को टच करेंगे। इसका पर्पस है आप जरा जैसे क्लासेस शुरू होने से पहले फ्लो में आ जाए, ताकि आप जो क्लासेस स्टार्ट हों उसमें बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकें। तो नेक्स्ट जो सेमिनार हो वो बेटा आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ठीक है? अच्छा जी, हिबा ने भी नहीं लिया था सेमिनार? जी सर, आपने सेमिनार अटेंड किया था संडे वाला? मैं घर पे ही नहीं थी। आई वाज आउट ऑफ सिटी फॉर वन डे। सही है, अटेम्प्ट करना चाहिए था बेटा, आपको बहुत फायदा होता है। जिसने अटेम्प्ट सर किया बस उसे। हाँ जी, हाँ जी, बोल। कॉलेजेस खुल रहे हैं तो फैमिली के साथ बाहर चले गए। ये तो अच्छी बात है, मैं भी कल गया हुआ था, ठीक ठाक घूमा है मैंने। मैंने कहा इससे पहले कि
टाइम ही ना मिले तो जो एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ करें। जी सर। ठीक हो गया, चलें बेटा फिर हम ऐसे करते हैं अपने आज के टॉपिक को हम फिर स्टार्ट करते हैं। आज डेट है बेटा जी 14 और लेक्चर बाय काउंटिंग ये बनता है 53rd लेक्चर। आज के टॉपिक्स हम कौन से डिस्कस करना चाहते हैं? हमने बेटा लास्ट टाइम स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन, वर्सेस एलिमिनेशन। आज इसी को बेटा पहले हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद बेटा आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इस चीज के बारे में हम देखेंगे। जब बेटा हम इन दोनों चीजों को देख पाएंगे तो फिर बेटा जी हम आगे फिर बात करेंगे इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज का लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम बेटा जब हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में, बेटा हम दो फैक्टर लास्ट टाइम डिस्कस कर पाए थे। अब आपने मुझे बताना है कि हमने कौन कौन से फैक्टर डिस्कस किए थे। पहला हमने जो इसमें फैक्टर डिस्कस किया था वो हमने देखा था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसे ही बेटा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट की नेचर है इसकी डिस्कशन बेटा हमने कंप्लीट कर ली। सेकंड फैक्टर जो बेटा हमने डिस्कस किया था वो हमने देखी थी नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ऐसे ही है? ये वो बातें हैं जो बेटा लास्ट टाइम हम इसे डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसी के साथ मेरा बेटा मैंने बात की थी नेचर ऑफ बेस की, नेचर ऑफ बेस। तो जो बेस की नेचर है, जो लिविंग ग्रुप की नेचर है, जो सबस्ट्रेट की नेचर है, ये टॉपिक बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फिर किस चीज को डिस्कस करेंगे? फोर्थ फैक्टर जो इसमें आता है जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट क्या इफेक्ट करेगा हमने इसको देखना है। और बेटा जी हमने डिस्कस करना है इसके साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये दो चीजें बेटा हम आज की डेट में पहले डिस्कस करेंगे, इसका फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट। तो बेटा पहले हम आ जाते हैं किस चीज पर। जी बेटा बोलें। बेस वाला मेरे ख्याल से नहीं हुआ। बेस वाला नहीं हुआ, चलो बेटा पहले बेस वाला डिस्कस कर लेते हैं। हम थर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। चलें बेटा जी तीसरे पॉइंट से हम शुरू कर लेते हैं और वो है नेचर ऑफ बेस। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात बेटा आपने याद रखनी कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेफर एलिमिनेशन, और अगर वीक बेस हो तो मेरा बेटा वो आपके पास प्रेफर करेगा इसको सब्स्टिट्यूशन को। यानी अगर आप बेस की बात करें
तो बेस एलिमिनेशन को प्रेफर करता है किस चीज के ऊपर बेटा? सब्स्टिट्यूशन पर। यानी बेस का जो इफेक्ट है वो बेटा हमारे पास किस में आएगा? वो आएगा ई टू एलिमिनेशन में, ठीक है? और किस में आएगा? एस एन टू में। यानी ये इफेक्ट तभी ऑपरेट होगा जब ई टू या एस एन टू आप रिएक्शंस की बात करें। ई वन में और एस एन वन में तो बेस का कोई इफेक्ट प्रेजेंट है नहीं है। यानी आप बात याद रखेंगे, नो इफेक्ट ऑन किस पर बेटा जी? ई वन आर एस एन वन। इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप करवा रहे हैं तो बेटा 100% कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। अब मेरा बेटा, हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्टेंट ले लेते हैं। मैंने लिखा CH2, CH2 एक के साथ हेलोजन, एक के साथ मेरा बेटा हाइड्रोजन। अच्छा जी, अब इसके साथ मेरा बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी पोजीशन असाइन कर रहा हूँ। जहाँ हेलोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन, सेकंड पोजीशन कौन सी है? बीटा। बीटा पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बिल्कुल कंपटीशन होगा। अब बेटा जी हम इसे रिएक्ट करवा लेते हैं किस चीज के साथ है? हम इसे रिएक्ट करवा लेते हैं पहले हाइड्रोक्सल आयंस के साथ, ठीक है मेरा बेटा? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम हाइड्रोक्सल की जगह पर हम कोई और बेस ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ एसीटेट आयन। एसीटेट आयन वीक बेस है, ठीक है? और हाइड्रोक्सल आयन क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है जब आप कंपैरिजन में देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रेफर हो जाएगा। यानी आप अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं तो बेटा अल्फा और बीटा पोजीशंस पर डबल बॉन्ड बनेगा, हेलाइड आयन सेपरेट हो जाएंगे और OH प्रोटॉन को लेकर वाटर प्रोड्यूस कर देगा। जाहिरी बात है साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, CH3 CH2 OH। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये है सब्स्टिट्यूटेड। और मेरा बेटा ये वाला कौन सा है? एलिमिनेटेड। सेकंड केस में भी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आपके पास सेम है, हैलाइड आयन ने सेपरेट होना है, वाटर की बजाय प्रोड्यूस होगा एसिटिक एसिड, और इसमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 O। अच्छा जी, सी डबल बॉन्ड O CH3। यानी एस्टर आपके पास क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब बेटा बड़ी सिंपल चीज है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट क्या होगा? मेन प्रोडक्ट होगा। और अगर वीक बेस है तो मेरा बेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या होगा? मेन होगा। यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि ई वन और एस एन वन में तो कोई कंपटीशन इस रेफरेंस में बेस के साथ नहीं बनेगा, ई टू और एस एन टू में बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस किसको प्रेफर करेगा? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट को। वीक बेस किसको प्रेफर करेगा? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को। जी मेरा बेटा, अब बताएं, अब बात आपको अंडरस्टैंड कर पाए आप? जी सर। चलिए ठीक हो गया बेटा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पर, जो मैंने फोर्थ पॉइंट आपको बताया कि हमने डिस्कस करना है। और बेटा हम इसमें देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट की नेचर हमारे पास क्या है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर बेटा हम बात करें तो सॉल्वेंट जो है उसका इफेक्ट या तो आपके पास एस एन वन पे है या बेटा ई वन पे है, ठीक है? तो पहली चीज हम तो पहले इसमें देख लें, इफ सॉल्वेंट
इज मोर पोलर, कि अगर सॉल्वेंट की बेटा पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, अगर मोर पोलर है देन सब्स्टिट्यूशन इज प्रेफर्ड। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन प्रेफर हो जाएगी। अब देखें इसमें E2 एंड SN2 इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। सॉल्वेंट का इफेक्ट किस पर है, SN1 पर एंड E1 पर, इस पर इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा। और इसमें इसमें सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करना है, तो मेरा बेटा बताएं कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर होगा, SN1 प्रेफर हो जाएगा किस चीज के ऊपर, E1 के ऊपर। क्लियर होगी बेटा बात? जी सर। हाँ जी, तो इसके बाद अगर हम बेटा जी आ जाएं किसके ऊपर, फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ हमारे पास क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करें तो बेटा ये याद रखें। जी आके पूछें बेटा। सर ये पिछली स्लाइड एक मिनट दिखा दें। ये लें बेटा, जी सर, ओके। अगर टेम्परेचर बेटा ज्यादा होगा तो एलिमिनेशन में बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा है वो प्रेफर हो जाएगी। यानी आप याद रखें हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बेटा क्या है ज्यादा है, एलिमिनेशन इज प्रेफर्ड, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा हो सकती है, और एलिमिनेशन में बॉन्ड ब्रेकेज और फॉर्मेशन ज्यादा है इसलिए वो प्रेफर होगी। अच्छा जी, इसमें रीजन क्या है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा इन्वॉल्व है, मोर बॉन्ड ट्रांजिशन इज इन्वॉल्व। याद क्या रखेंगे कि ज्यादा बॉन्ड्स ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आ रहे हैं, यानी वो इन बिटवीन स्टेज में आते हैं बॉन्ड ब्रेकेज की और मेरा बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन की। एग्जांपल अगर मैं हम लें तो बेटा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसे हम रिएक्ट करवा लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किसकी प्रेजेंस में मेरा बेटा, वाटर की प्रेजेंस में। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा बेटा, पहली पॉसिबिलिटी है कि एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बने, दूसरी पॉसिबिलिटी मेरा बेटा ये है कि सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने। अब इसमें पहला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, एलिमिनेटेड। सेकेंड प्रोसेस मेरा बेटा कौन सा है, सब्स्टिट्यूटेड, कि एक में मेरा बेटा एलिमिनेशन हो रही है, सेकेंड में मेरा बेटा सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एलिमिनेशन प्रेफर्ड हो जाएगी, और टेम्परेचर कम होगा तो अब हमने पहले ये रिएक्शन करवाया 45 डिग्री सेल्सियस पर, फिर हमने रिएक्शन करवाया 100 डिग्री सेल्सियस पर। पहले मुझे एक बात बताएं, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, एलिमिनेटेड। तो जब हम 45 पे ये रिएक्शन करवाते हैं तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा था 53%। जब मेरा बेटा हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है इसकी रेशियो कितनी हो गई, 64%। जी बेटा आके पूछें। सर आप ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, सर आपकी आवाज कट रही थी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, अगर हायर टेम्परेचर है
तो एलिमिनेशन ज्यादा प्रेफर होगी। क्यों ज्यादा प्रेफर होगी? क्योंकि जो बॉन्ड ट्रांजिशंस हैं वो इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हैं। मैंने एक रिएक्शन लिखा, मैंने लिखा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से वाटर में रिएक्ट करवाया, तो मुझे पता है कि अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड बनेगा तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है। अगर आपका बी आर ओ एच से रिप्लेस हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, दोनों बनेंगे। प्रैक्टिकली लैब में जब इसके रिजल्ट्स बेटा चेक किए गए तो 45 पे एलिमिनेटेड बन रहा था 53%। जब आपने टेम्परेचर्स आपने बढ़ा दिया 100 पर ले गए तो ये प्रोडक्ट कितना बनना शुरू हो गया, 64%। अब बेटा क्लियर होगी बात? जी सर। सर हमें ये किस तरह पता लगेगा कि ये अल्फा और ये बीटा है? सुबहान अल्लाह बेटा, जहां पे हेलोजन अटैच है वो कार्बन जी सर। अल्फा कार्बन, जी सर। और इसके साथ लेफ्ट और राइट पे जो कार्बन्स हैं वो बीटा कार्बन। ओके सर। सर मतलब जो हेलोजन अटैच होंगे वो अल्फा होंगे। हेलोजन जहां पे अटैच है या फंक्शनल ग्रुप जहां पे अटैच है वो अल्फा पोजीशन है, उसके साथ जो ओके नेक्स्ट सर। पोजीशंस होती हैं वो होती हैं बीटा पोजीशंस। जी सर। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा जी जी सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, जिसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कुछ बेटा ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पिंग होते हैं लेकिन हमें इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता। ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड्स इसी तरह के कंपाउंड है जिनका हमारी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है। पहले हम इसकी जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो हैं, पहली बात है बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम इज अटैच्ड, कि जिसमें मेटल एटम बेटा अटैच होता है किसके साथ, विद कार्बन एटम। कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेटल एटम अटैच हो जाए किसके साथ है, कार्बन के साथ, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड्स, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मेटल एटम, जिसके पास बेटा क्या चीज प्रेजेंट हो, मेटल एटम हो। अच्छा जी, अब ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड्स की अगर हम बेटा बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरीज आ जाती हैं, इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बेटा जी हीम की। कितने बच्चे बेटा इसे आप अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज हीम, हीम के बारे में? जी निबरा बताएं बेटा हीम क्या चीज है। सर हीमोग्लोबिन को कहते हैं क्या? शाबाश, हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म है हीम, और हीमोग्लोबिन के अंदर मेरा बेटा अगर आप बात करें तो आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। अब आप बात करें क्लोरोफिल की, जी, क्लोरोफिल बेटा। हाँ जी, नाइट्रोजन मैग्नीशियम हाँ जी, क्लोरोफिल के अंदर बेटा जी जो मेटल प्रेजेंट होती है ये है मैग्नीशियम मेटल। ये भी दोनों कौन से कंपाउंड हैं, ये ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड्स हैं। अब इस अर्थ पर बेटा जो जिंदगी है वो दो चीजों की वजह से है, एक एनिमल्स की वजह से है और दूसरी प्लांट्स की वजह से है, ऐसे ही है बेटा। तो एनिमल्स में क्या चीज प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन।
और जो आपके पास प्लांट्स हैं बेटा, प्लांट्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। हमारी लाइफ बेस करती है हीमोग्लोबिन पे। अगर अल्लाह ना करे हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाए तो बहुत सारे लोगों की इस वजह से डेथ हो जाती है। यानी रेड ब्लड सेल्स जितनी स्पीड से बने उससे ज्यादा स्पीड से उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए। अब ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड्स की, जो हमारी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर प्लांट्स में ये आपके पास ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड खत्म कर दें, प्लांट्स अपनी डाइट प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? और ह्यूमन में अगर आप हीमोग्लोबिन के बगैर, आपको पता है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा जी, आगे चलें बेटा। अब हम बात कर लेते हैं हमारी बुक की। हमारी बुक में जो ऑर्गेनोमेटॉलिक कंपाउंड्स हैं, हम उनकी बात करते हैं सिंथेटिक। जो हमने लैब में बनाए हुए हैं वो हम दो बनाकर बेटा यूज करते हैं। एक है हमारे पास अल्काइल लिथियम, और दूसरे हमारे पास होते हैं ग्रिग नॉट रिएजेंट। अल्काइल लिथियम के लिए जो बेटा फार्मूला है वो हमारे पास है RLI। ग्रिग नॉट रिएजेंट का जो फार्मूला है वो है RMgX, ठीक है? ग्रिग नॉट रिएजेंट को एक और नेम देते हैं, इसे कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। तो ये जो बेटा बात है ये सिंथेटिक है, कि जो आर्टिफिशियली हम लैब में बनाते हैं और हम इन्हें डिफरेंट पर्पस के लिए बेटा क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस इनसे क्या करवाते हैं, हम प्रोसीड करवाते हैं। क्लियर होगी मेरा बेटा बात? यस सर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताएं बेटा जी, हमारी वेन्स और आर्टरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो क्या उसका कलर सेम होता है? नहीं सर। अच्छा, तो कभी आपने सोचा है ऐसे क्यों होता है, कलर चेंज क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर बेटा प्रेजेंट है आयरन मेटल। आयरन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है और +2 भी होती है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है तो इसमें शिफ्टिंग आती है +2 से +3 की, और कलर अपेरेंटली कौन सा हो जाता है, रेड, जब वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। लेकिन जब उससे सारी ऑक्सीजन टेकअप कर ली जाती है तो आ जाता है +2 की फॉर्म में विदाउट ऑक्सीजन। तो विदाउट ऑक्सीजन आयरन का जो हीमोग्लोबिन से कॉम्प्लेक्स बना है वो आपके पास कौन सा कलर इम्पार्ट करता है, ब्लू कलर। तो कॉम्प्लेक्स विदाउट ऑक्सीजन और विद ऑक्सीजन आपके पास जो है वो कलर वेरिएशन वहां पर शो करता है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपनी चीज पर, कि हम अब बात कर लेते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट। अब इसे अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और मजे की बात है ये चीज भी बहुत सिंपल है बेटा। 1900 की बात है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विक्टर ग्रिग्नॉट। उसने एक्सीडेंटली एक केमिकल रिएजेंट प्रिपेयर किया। उसने एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया किस चीज को, ग्रिग्नॉट रिएजेंट को। कैसे? कि इसने अल्काइल हेलाइड्स लिए
मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इसने देखा एक नई क्लास बन गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें मेटल एटम शामिल हो गया है, और ये क्लास बनी है वेरी मच रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव यानी बहुत रिएक्टिव एक क्लास बन गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो फिर उसने देखा कि ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं इससे वो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। उसे पता चला कि अगर वो ग्रिग्नॉट रिएजेंट बना ले तो वो तकरीबन सभी कंपाउंड्स बना सकता है, ये हाईली रिएक्टिव हैं। इस वजह से 1912 में उसे नोबल प्राइज दिया गया। ये जो उसने रिएजेंट बनाया था हाईली रिएक्टिव था, ये इसकी एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा थी कि इसे नोबल प्राइज दे दिया गया। कब? 1912 में। दो बुक्स पर डिफरेंट चीज जो है वो बताई जाती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है नोबल प्राइज, लेकिन एक्चुअली इसके साथ नोबल प्राइज शेयर किया गया था, इसे हाफ नोबल प्राइज दिया गया था। हाफ क्यों दिया गया था? क्योंकि इसने ग्रिग्नॉट रिएजेंट बना दिया, बाद में इसके रिएक्शंस कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसकी एप्लीकेशंस जो थी वो डिस्कवर करके बताई थी कि इससे हम ये चीजें बता सकते हैं। इस वजह से फिर नोबल प्राइज की जो मनी थी वो उनके साथ शेयर की गई थी, यानी फुली इसे क्रेडिट नहीं दिया गया था। इसमें जो बात याद रखने वाली है, ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन ड्राई ईथर, इसे मेरा बेटा हमेशा कहां पर बनाते हैं? ड्राई ईथर में। अब यकीनन आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर ये ड्राई ईथर क्या चीज है, सही है मेरा बेटा? तो ड्राई ईथर में आपको पहले ही बता देता हूं कि ड्राई ईथर जो है वो ऐसा ईथर होता है जो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये है क्या? फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, फ्री फ्रॉम अमोनिया, फ्री फ्रॉम वाटर वेपर्स, यानी इन सारी चीजों से जो ईथर फ्री होगा वो ईथर हमारे पास कौन सा ईथर कहलाएगा? उसे हम कहते हैं ड्राई ईथर, यानी ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ईथर फ्री फ्रॉम प्रोटिक सॉल्वेंट, ईथर फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये ईथर इसमें होता क्या है मेरा बेटा? जब आप बात करें अल्काइल हैलाइड्स की तो मेरा बेटा हमें पता है हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे आर पार्शली नेगेटिवली चार्ज, एंड अल्काइल ग्रुप्स आर पार्शली पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन मेरा बेटा जब इससे आप चेंज कर लेते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट के अंदर और मैग्नीशियम सेंट्रल एटम आ जाता है, नो मैग्नीशियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, आर भी पार्शल नेगेटिव। इस आर पर ये जो पार्शल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शल नेगेटिव चार्ज इसके अंदर दो करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाता है, इसे बनाता है स्ट्रॉन्ग बेस, इसे बनाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यानी कार्बन पहले अल्काइल हैलाइड्स में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखता था, लेकिन मैग्नीशियम मेटल के साथ अटैचमेंट की वजह से अब उस पर मेरा बेटा चार्ज आ गया है पार्शियल नेगेटिव, और इस पार्शियल नेगेटिव ने इसे किस में शिफ्ट कर दिया है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में और स्ट्रॉन्ग बेस में। अब अगर इसे प्रोटॉन मिलेगा तो ये वो एक्सेप्ट कर लेगा,
अब अगर इसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नजर आएगा तो ये उसके ऊपर मेरा बेटा क्या कर देगा, अटैक कर देगा। साथ ही बेटा रेफरेंस में मैं बात कर लेता हूँ अल्काइल लिथियम की। बात करना बेटा इसलिए जरूरी है कि ये दोनों सेम करेक्टर रखेंगे। लिथियम होगा पार्शल पॉजिटिव, आर होगा पार्शल नेगेटिव। अब इसमें भी दोनों करेक्टर आ जाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी हर वो काम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने करना है वो काम अल्काइल लिथियम भी कर सकता है। हर वो रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होगा, हर वो रिएक्शन किस में हो सकता है, अल्काइल लिथियम में हो सकता है। ठीक हो गया बेटा ये? यहां तक बेटा बात आप लोग समझ गए? यस सर। जी सर। यस सर। चलें बेटा फिर अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक टाइप का रिएक्शन जो है ना उसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस मैं इसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम इसका रिएक्शन जो है वो लिख लेते हैं। इसके हम आ जाते हैं अब रिएक्शंस के अंदर, और रिएक्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद प्रोटिक सॉल्वेंट। कभी बेटा किसी लिटरेचर में आपको वर्ड मिलेगा प्रोटिक सॉल्वेंट और किसी में मिलेगा एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये दोनों बातें हो सकती हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा जा सकता है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग। अब सोचने वाली बात है कि एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी मैं आपको ये रिएक्शंस की मदद से बता देता हूँ कि BrMgCH3 बेटा मैंने ले लिया एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और मेरा बेटा मैंने इसे रिएक्ट करवा दिया HOH वाटर के साथ, मैंने रिएक्ट करवा दिया HNH2 अमोनिया के साथ, मैंने रिएक्ट करवा दिया HOR अल्कोहल के साथ, मैंने रिएक्ट करवा दिया HOC OR ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, मैंने HCl से रिएक्ट करवा दिया। इन सभी कंपाउंड्स में मेरा बेटा एक चीज कॉमन है, वो चीज क्या कॉमन है, हाइड्रोजन इज पार्शली पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोजन इज पार्शली पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोजन इज पार्शली पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोजन इज पार्शली पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोजन प्रोटॉन के तौर पर रिलीज होने की वजह से कहलाते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। क्योंकि ये हाइड्रोजन रिमूव किया जा सकता है इसलिए इस हाइड्रोजन को कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। अब मेरा बेटा होता इसमें क्या है, बड़ी सिंपल चीज है, यहाँ पर CH3 पर चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, और मैंने आपको बताया है आप ये कर सकता है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि स्ट्रॉन्ग बेस और एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और प्रोटॉन एक्सेप्ट ना हो। तो मेरा बेटा फिर होता क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप अपना बॉन्ड यहां से ब्रेक करके इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ये बॉन्ड OH की फेवर में मेरा बेटा ब्रेक हो जाता है, यानी CH3 अपना बॉन्ड बनाता है, दूसरे में भी CH3, थर्ड में भी CH3 अपना बॉन्ड बना लेगा बेटा। किसके साथ, पहले केस में हाइड्रोजन, सेकंड में हाइड्रोजन, थर्ड में हाइड्रोजन, फोर्थ में हाइड्रोजन, सभी में हाइड्रोजन के साथ। अब मेरा बेटा पहले केस में Mg के पास प्रेजेंट था Br, अब दूसरी चीज मेरा बेटा कौन सी अटैच होगी, OH। इसी तरह बाकी सब में बात करूं तो Mg के साथ था Br, Mg के पास था Br,
एमजी के पास था मेरा बेटा बीआर, एमजी के पास था मेरा बेटा बीआर। अब जो जो पार्ट बचते जाएंगे वो साथ अटैच हो जाएंगे, सीएल ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहां पर बेटा जी ओ आर, यहां पर एन एच टू,